हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है जयपाल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले जियो मोबाइल के अंदर आप कॉल को मिनिमाइज करके किस तरह आप मोबाइल के अंदर जो भी एप्स है वो चला सकते हैं, जिस तरह आप कॉल भी हो वो आपकी वनड्रॉइड मोबाइल की तरह, और आप किसी के अंदर जो भी एप्स है, व्हाट्सएप हुआ, कैमरा, जियो टी वी, मैसेज, जियो स्टोर, संपर्क, जो भी आपके जो भी एप्स है, मान लो ये एप्स है गैलरी हुआ, जियो न्यूज, जियो एक्सप्रेस, जियो गेम्स, कोई भी एप, XYZ सेटिंग्स हुआ, जो भी उसके अंदर है ऐप से उसको चला सकते हैं। किस तरह चला सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, और एक बार कोड बताऊंगा नहीं, और वो आपको होगा उसको अंदर डालना होगा। तो डालते ही आपकी कॉल को मिनिमाइज का बैकग्राउंड है वो आपको यहाँ से हट जाएगा, यानी कॉल का जो बैकग्राउंड होता है वो आपको सामने नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो इस वीडियो में जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो आपको प्रोसेस सेम करनी है। तो सबसे पहले मैं इस मोबाइल के अंदर जो भी बार कोड है इस मोबाइल के अंदर डाल के लाता हूँ अभी। तो वीडियो को मैं थोड़ा पॉज करता हूँ और उसके बाद इसके अंदर बार कोड डाल के आपको दिखाता हूँ किस तरह मैं सेटिंग को ऑन करता हूँ, आपको दिखाऊंगा नहीं, उसको वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और एक मिनट के अंदर इसके अंदर जो भी बार कोड था मैं वहाँ पर डालकर आ गया हूँ। और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि 1 2 3 4 जो भी बटन यहाँ पर टच नहीं काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस है वो दिया गया है इसके मोबाइल के अंदर। तो इसके अंदर आप सोचेंगे वॉलपेपर के साथ सेट किया, वॉलपेपर के साथ नहीं सेट किया, मैं वॉलपेपर को चेंज करता हूँ और देखा तो आपको वॉलपेपर को चेंज करने पे आपके वो ये सेटिंग जो भी मैं नंबर दिखा दिया आपको वो दिखाई देगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ डिस्प्ले वॉलपेपर, और वॉलपेपर के अंदर आपको वॉलपेपर से सेलेक्ट करना है, और मैं इसके अंदर वॉलपेपर वो चेंज करता हूँ, पहले वाला वॉलपेपर वो डाल के सेट कर रहा हूँ, सेट कर दिया मैंने वॉलपेपर। तो वॉलपेपर सेट करने के बाद भी ये इसके अंदर फंक्शन है जो यहाँ पे ऑफ नहीं हुआ है। और अब मैं आपको इस मोबाइल के अंदर आपको कॉल करेंगे तो अब इसके अंदर मैं पहले इसके अंदर स्टॉप वॉच है वो आपको दिखाता हूँ लगा के। इस घड़ी को ओपन करते हैं, इस घड़ी के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे मैंने इसके अंदर स्टॉप वॉच वो चला दिया है, 2 सेकंड 4 सेकंड चल रहा है। और अब आपको मैं इस मोबाइल से कॉल करता हूँ इस मोबाइल के अंदर, तो इस मोबाइल की जो भी हिस्ट्री है मैं आपको उसको डिलीट करता हूँ पहले। तो इस मोबाइल की कॉल की हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। तो कॉल लॉग इन करें, कॉल को सभी हटाएं, कोई भी एंट्री नहीं इसके अंदर, और यहाँ पे जो स्टॉप है जो आपको दिखाई दे रही है दे ही रहा है। और अब मैं इस मोबाइल के अंदर तो इस मोबाइल से कॉल करूँगा तो इसकी जो भी कॉल की भी हिस्ट्री है वो आपको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, पहले डिलीट कर देता हूँ पहले मैं। तो इसकी जो भी हिस्ट्री तो मैं कॉल रिकॉर्ड को हटा दिया, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग क्या या फिर कॉल का रिकॉर्ड नहीं है, इसको बुलाते हैं बैक। और इसका एक यह भी फायदा है कि इसके अंदर जो भी आप एप्स चलाते हैं दोस्तों, इस तरह मैंने इसको ब्राउज़र को खोला, कोई भी मान लो ब्राउज़र को ओपन किया है तो यहाँ पर ब्राउज़र तो ओपन हो ही जाएगा, नेट चलो इसलिए। और मैं बैक आता हूँ, बैक एक बार और आने पर यानी यहाँ पर इस तरह का एक बैकग्राउंड और आ जाता है कि यहाँ पे आप बैक जाना ही चाहते हैं ना, बैक जाना चाहते हो एक बार और दबाने पे यहाँ पे बैक मेन्यू पे लाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से कॉल करता हूँ तो इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया और इसके अंदर कॉल आ ही रहा है, तो इसके अंदर कॉल आ गई है और इसको मैंने कॉल को ले लिया है, और कॉल लेने का इसलिए ले लिया। और यहाँ पे जो स्टॉप वॉच वो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं करता हूँ तो इसके अंदर से कॉल जा रही है, और ये मेरा मोबाइल नंबर था इस सिम का, और जब 10:19 पे अपना संवाद चालू है यानी 10:19 हुआ है, और यहाँ पर भी 10:19 दिखाई दे रहा है आपको, और वहाँ पे 2 मिनट 3 सेकंड इसको मैं करता हूँ कट, कॉल को कट कर दिया तो वहाँ पे कुछ एक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड वो नहीं आ रहा है बैक वाला, इसको मैं करता हूँ कट, जियो वीडियो कॉल ओपन हो चुके हैं।
तो अब मैं आपको इसके अंदर जो 10-19 पे मैंने अपनी कॉल है वो कट हुई थी, तो यहाँ से देख सकते हैं 10-19 पे मैंने इस नंबर को कॉल किया है। एक बार और मैं इसको कॉल करता हूँ और इसके अंदर 10-19 पे ही कॉल को कट किया है। इसके अंदर देखो 10-19 पे यहाँ भी कॉल आई थी। इसको मैं एक बार पूरी को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हटाएं। आपको विश्वास हो जाए कि इसके अंदर से कॉल हो रही है लेकिन बैकग्राउंड नहीं आ रहा, इसमें बैकग्राउंड नहीं आता है, बैकग्राउंड यानी मिनिमाइज हो जाता है कोड डालने के बाद। और आप इसको अभी सही भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को। और अभी मैं इसका भी कॉल हिस्ट्री है यानी कॉल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। कॉल लॉन्ग कर दिया मैंने और यहाँ से डिलीट हटाएं। तो अभी देख लो कोई भी रिकॉर्ड है वो नहीं है यहाँ पे इस मोबाइल के अंदर। अब मैं दोबारा अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए और यहाँ से कॉल है जो जा रही है। अब देख लो यहाँ से इसके कॉल है जो जा रही है, देख लो। अब मैं इस मोबाइल को कॉल लेता हूँ तो यहाँ से बंद हो जाएगा ये। कॉल को ले लें, सेव कर दें लाउड स्पीकर। तो ये इसका जो मोबाइल पास में इसलिए वो कट कट कर रहा है। तो अब इसके अंदर कॉल है वो चल रही है और इसके अंदर जो भी ऐप्स है, मान लो ये जियो स्टोर वार ऐप्स हुआ, उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल, व्हाट्सएप और गेम, इनको आप चला सकते हैं। तो ये देखो नेचुरल साउंड, मैथ ट्रेनिंग और यहाँ पे मैजिक बोल। मैं एक एप्स लेता हूँ, उसको मैं करता हूँ अनइंस्टॉल। आरोग्य सेतु ले लेते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं पहले। तो अनइंस्टॉल पे मैंने प्रेस किया है और वहाँ से इसी मोबाइल से कॉल है जो चल रही है, देख लो वहाँ पे। अब वापस मैंने इंस्टॉल पे प्रेस किया है। मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल हो गए और उसको ओपन करते हैं और वहाँ पे इसी मोबाइल से कॉल है वो चल रही है। और इसकी जो भी होगी ना 1 मिनट 4 सेकंड कितना भी हो, उसकी मैं डिटेल भी दिखा दूंगा। ये देखो आरोग्य सेतु ऐप आ गया है और यहाँ पे इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये बैकग्राउंड मैंने बोला था कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड आएगा, तो ये बैकग्राउंड आ गया। इसको एक बार और बैक लेने पर बैक आता है। और ये देखो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर दिया गया आपके मोबाइल में ही। और अब मैं आपको ब्राउज़र चला के दिखाता हूँ। ये देखो ब्राउज़र है जो चल रहा है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लो, सर्च कर लो, काम बन जाएगा अपना। तो वहाँ पे कॉलिंग में वो भी साथ में है। अब मैं आपको व्हाट्सएप चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे व्हाट्सएप है जो मैंने ओपन कर दिया है और इसको मैं कट करता हूँ। व्हाट्सएप चल जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दूसरे का नंबर है तो नंबर नहीं दिख जाए, इसलिए मैंने काट दिया यहाँ से। और यहाँ पे कैमरा और जियो टीवी मैसेज हुआ और पे गैलरी। और एक बार मैं जियो गेम्स को ओपन करता हूँ। तो जियो गेम्स देख लो वहाँ पे ओपन हो गया है और यहाँ पे ये अपना चल ही रहा है कॉल। और यहाँ पे चल रहा है ये टाइमर। और यहाँ पे जियो गेम्स को ओपन किया, यहाँ से गेम चला सकते हैं साथ में। यहाँ पे बाहर निकलना चाहते हैं, यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को भी चला सकते हैं आप। गूगल असिस्टेंट को मैंने खोला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट वो आ चुका है और यहाँ पे बोलने के लिए तैयार है, हेलो। तो देखो इसने हेलो बोल सुन लिया है। और मैं कट करता हूँ इसको। जो कि किसी की सामग्री नहीं है इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। और इसको मैंने कट कर दिया। और एक बार सेटिंग के अंदर चलते हैं इसकी। एयरप्लेन मोड, मोबाइल डेटा, सब कुछ इसके अंदर। कॉल भी इसी मोबाइल से चल रही, देख लो एक बार आप। और जियो लोकेशन इसको अनऑप्शन में ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। एनएफसी को ऑफ कर दिया और ब्लूटूथ हुआ। बैक चलते हैं यहाँ से। वाईफाई, लाइव सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं आप यहाँ से।
ब्राउजिंग अनुमतियाँ सब कुछ देख लो, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। यानी जिस तरह मान लो कि कॉल हो ही नहीं रही है, यानी कॉल को मिनिमाइज करके जो भी आप चलाते हैं सेम प्रोसेस, जैसे आप कॉल नहीं करते हैं नहीं हो रही है और ऐसे चलाते उस तरह चला सकते हैं मोबाइल को। और अब इस मोबाइल को मैं करता हूँ एक बार लॉक करता हूँ, लॉक करके आपको उसकी लाइट है वो ऑफ हो जाए, थोड़े इसको वेट करते हैं लाइट ऑफ हो जाए इसकी। तो इस वीडियो को आपको करना है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को आपको 1000 लाइक कंप्लीट जरूर करना है, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के इसके अंदर आपको बार कोड है वो बताऊंगा कि ये बार कोड होता है इसका, और इस तरह आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा मोबाइल जो हैंग भी हो चुके हैं, इसको मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, यहाँ से मोबाइल थोड़ा हैंग हो गया इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ इस वीडियो मोबाइल को रीस्टार्ट करता हूँ एक बार। तो देखते रहना इसे कॉल है वो कट जाएगा ऑटोमेटिक। वो मोबाइल है वो ऑन हो गया, थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग को एक बार ऑफ करता हूँ मैं यहाँ से। तो ये मोबाइल थोड़ा रिस्टार्ट होके ऑन हो रहा है, और इस मोबाइल की जो भी मैं इस कॉल की वो डेटा था वो आपको दिखाता हूँ एक बार, आपको कॉल की जानकारी जो 5 मिनट के आसपास चला था मोबाइल, 5 मिनट 19 सेकंड के आसपास चला है, और इसके अंदर कितना चला था वो बताता हूँ आपको एक बार, क्योंकि मोबाइल है वो हैंग हो गया इसलिए वो काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने को वीडियो को पॉज किया था, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए और उसके बाद वीडियो की रिकॉर्डिंग वो सेव नहीं होती है। तो मैं एक बार उसके अंदर और कॉल कर लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं हम। ये देखो कॉल जा रही है, और कॉल है वो मैंने उठा लिया है, और यहाँ से इस मोबाइल से कॉल हो रही है। तो इस मोबाइल का मैंने पहले आपको बता दिया प्रोसेस करना, तो इसके अंदर कॉल लोगों नहीं आएगा, मैंने आपको पहले से बोल रखा है। तो इसको मैं कॉल को करता हूँ कट, और इस मोबाइल से थोड़ा सा लॉक हो जाए ताकि इसके अंदर आपको पता चल जाए कि कॉल कट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा 30 सेकंड का मैं वेट करता हूँ। अब इस मोबाइल से मैं कॉल को कट करता हूँ, देख ले, देखते रहना आपसे वहाँ पर आया कि कॉल कट हो चुका है, और इसको मैं कॉल लोगों पे जाता हूँ और इसके अंदर क्या कुछ है और इसके अंदर क्या कुछ है। तो इसके अंदर पहले वाली कॉल थी 5 मिनट 19 सेकंड, अभी वाली 47 सेकंड 10:28 पे देख लो यहाँ पे इस मोबाइल के अंदर, और इसको जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग है ज़्यादा बन नहीं पाएगी। यहाँ पे देखो 10:28 पर जो कॉल थी, देखो यहाँ पे 47 सेकंड चली थी अपनी कॉल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं इसका वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, और आप इस वीडियो को वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट जरूर कर देना। तो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग को मिनिमाइज करने का जो कोड है वो आपको बता दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।